Hi guys, wish you a very good morning. This is me, Ash Joshi, and you are watching me on the channel of TYS. So as you all know that we are going to discuss today's the Hindu news analysis. It is 30th May, Saturday here, and we are in fourth phase of lockdown. And so let's start today's news analysis. The first news is GDP growth slows to a 11-year low of 4.2%. लेट मी नो यू दैट हमारी जो इकोनॉमी है बेसिकली वो अभी एट प्रेजेंट ऑलरेडी पैंडमिक के चलते काफ़ी लॉसेस गेन कर रही है, सफ़र कर रही है ना. और उस इकोनॉमी का वर्स्ट केस हमें देखने को मिला जब हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 11 सालों में सबसे कम, मतलब 4.2% देखी गई. अपने आप में ये जीडीपी के जो है डाउनवर्ड्स जाने का एक बहुत बड़ा साइन है. देखिए, जीडीपी ग्रोथ रेट जो होती है वो ये डिसाइड करती है कि कैसा जीडीपी है. और जीडीपी अगर अच्छा होता है, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा है, तो डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी विल बी गुड. तो अब एकदम से 11 सालों के रिकॉर्ड सबसे लो जो है जीडीपी रेट में जाने का रीज़न हमें पता है. ऑलरेडी कोविड-19 जो है पैंडमिक, उससे सफ़र कर रहे हैं. पहला रीज़न तो वो है. दूसरा रीज़न है ये जो साइक्लोन हिट किया है वेस्ट बंगाल और इन क्षेत्रों के अंदर, वो दूसरा रीज़न होता है. और सेकंड थर्ड रीज़न जो है वो लोकस्ट अटैक, जिसने अभी एग्रीकल्चर क्षेत्र को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है. एग्रीकल्चर को काफ़ी इफेक्ट किया है. सो वी कैन से काफ़ी सारी ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ को देखते हुए अगर हम बात करें, डिज़ास्टर्स को देखते हुए अगर हम बात करें, तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो अपने 11 सालों के सबसे कम रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो कि 4.2% है. और अपने आप में ये एक टेंशन की बात है, या हम कह सकते हैं कि फिनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशंस की या कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस को इशू करने की ज़रूरत शो करता है. ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ लॉकडाउन 5.0 टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड इन 13 सिटीज़. मैं आपको बता देती हूँ कि लॉकडाउन फोर्थ फेज़ को हम लोग सफ़र कर रहे हैं 4.0 को, बट हेयर द फिफ्थ फेज़ इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरे इंडिया में इम्पोज नहीं किया जाएगा. लॉकडाउन का ये जो फिफ्थ फेज़ है, ये लॉकडाउन 5, ये पूरे इंडिया में नहीं इम्पोज किया जाएगा. एक दिन में करीब 7,707 केसेस कंट्री में रिकॉर्ड किए गए हैं, है ना, मतलब रजिस्टर हुए हैं कोविड-19 के केसेस, जिसमें से उसके अलावा 263 डेथ एक दिन में देखी गई है. मतलब डेथ रेट भी बढ़ रही है और केसेस भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं. उसको कंट्रोल करने के लिए उसको अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के बढ़ते केसेस को कंट्रोल करना. या हमने ये डिसाइड किया था, सरकार ने ये भी जो है कोशिश की है कि वो इकोनॉमी को भी रन अप करे. बट इसके अलावा जो मेन हॉटस्पॉट है, 13 ऐसी सिटीज़ को डिसाइड किया गया है जहाँ पे बढ़ते केसेस के चलते लॉकडाउन 5 इम्पोज किया जाएगा. ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड नॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे वो. और इन सब के चलते कोविड-19 को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी. मैं आपको बता देती हूँ, ये जो 13 सिटीज़ जो इसके अंदर शामिल की गई है, यही वो सिटीज़ हैं जिनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेज लास्ट फ्यू डेज में देखे गए हैं. ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल इशू रिवाइज गाइडलाइंस. इन सभी जो हम कह सकते हैं सिटीज़ हैं, जो 13 सिटीज़ जो लिस्टेड की गई है, उनके लिए पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा. ठीक है, और उसके अलावा कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को जो है इशू किया जाएगा. और अभी एट प्रेजेंट अगर नंबर ऑफ़ केसेस की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस 1,73,052 है, जबकि फैटलिटीज़ जो देखी गई है वो 4,970 देखी गई है ना. तो इंडिया वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो बहुत करीब है टॉप 10 के अंदर जो है आने की. पूरी जो है दौड़ में भाग रहा है इंडिया, और उसी के चलते एक मैक्सिमम लेवल ऑफ़ केसेस जो है देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, द वर्स्ट 13 अफेक्टेड जो कंट्रीज़ हैं, रीजन्स हैं कोविड-19 के, उनमें शामिल है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, थाने, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर जो कि एमपी में है, जयपुर एंड जोधपुर जो राजस्थान के हैं रीजन्स हैं. ओके, इसके अलावा चेंगलपट्टू एंड तिरुवल्लूर
ये तमिलनाडु के क्षेत्र हैं। इन 13 सिटीज़ के अंदर हार्डली जो हम कह सकते हैं कि हार्डली ये 13 सिटीज ऐसी हैं जिनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत लॉकडाउन 5 जिनमें इम्पोज किया जाएगा और वीकेंड से काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स या रूल्स जो है यहाँ लागू किए जाएंगे। उसके चलते क्या क्या डिसीजंस लिए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, ये हम आने वाले टाइम के अंदर जब गाइडलाइंस इशू होगी एक दो दिन के अंदर तब हमें पता चल पाएगा। ओके लेट्स सी कि क्या जो है ये जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉकडाउन 5 का जो डिसीजन है ये किस हद तक पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वी नो वेरी वेल डेली बेसिस पर जो है काफ़ी केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, जो क्योंकि उसमें से एक सिटी जैसे कि जयपुर, जोधपुर और जयपुर राजस्थान के रीजन बताएं, सो हेयर आई एम फ्रॉम जोधपुर एंड जोधपुर के अंदर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस फाउंड हो रहे हैं, है ना। तो डेली बेसिस पे कंटिन्यू केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कल 97 केसेस जो है दर्ज किए गए थे लीगल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। सो डेली बेसिस पे कंटिन्यू केसेस का बढ़ना अपने आप में एक टेंशन क्रिएट कर रहा है सरकार और आम जन के तहत। सो और इसके बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टार्ट हो जाना, तो ये सारी चीज़ें मैसअप होकर एक डेंजरस एनवायरनमेंट या डेंजरस जोन क्रिएट कर रही है। सो गवर्नमेंट को ये इस तरह का स्ट्रिक्ट जो है डिसीजन लेना ही होगा और लेना ही था कमिंग डेज में, बट इस तरीके से जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं इट वॉज कंपल्सरी टू टेक। ओके द नेक्स्ट इज नो पालकी प्रोसेशन बट वारी ट्रेडिशन विल बी मेंटेन्ड। मैं आपको बता देती हूँ कि आषाढ़ी वारी एक ट्रेडिशन है जो करीब 800 साल पुराना है, ये पुणे में कैरी ऑन किया जाता है और इसके अंदर जो है देखिए मैं आपको पूरा केस बता देती हूँ। यहाँ पे COVID-19 के चलते पुणे, सतारा और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया है कि वारी डिस्ट्रिक्ट जो होता है वारी आषाढ़ी वारी जो ट्रेडिशन है वहाँ का, उसके तहत जहाँ लाखों लोग वर्कारीज़ के रूप में मतलब डिवोटीज़ के रूप में टेंपल टाउन में जो है पालकी कैरी करके और ध्यानेश्वर और तुकाराम जी जो सेंट्स हैं उनके तहत मतलब पैरों पर है ना चलकर वो पूरी परिक्रमा पूरी करते हैं, तो वो इस साल नहीं होगी क्योंकि लाखों की तादाद में लोगों का इकट्ठा होना अपने आप में एक रिस्क है अभी पैंडेमिक के चलते। सो अजीत पवार जी ने ये डिसाइड किया है, चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो वहाँ के, उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि अभी जो ये पादुकाज वाला सिस्टम है पादुकाज जो है वो कैरी किया जाएगा रोड पर और एयर के थ्रू, बट जो ये वर्कारीज वाला सिस्टम है जहाँ लैक्स ऑफ वर्कारीज जो है परिक्रमा पूर्ण करते हैं वो सिस्टम यहाँ पर इस साल नहीं होगा। ठीक है, इट इज़ अ गुड डिसीजन एट ऑल, क्योंकि एट प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए महाराष्ट्र की कंडीशन भी वर्स्ट लेवल पे है। सो ये कंडीशंस को देखते हुए ज़रूरत है कि हम स्पेशल मेजर्स या इम्पॉर्टेंट मेजर्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिशन और रिचुअल्स को हार्म भी ना पहुँचे और ट्रेडिशन और रिचुअल भी फॉलो हो, लेकिन उसके साथ में इस तरह का कोई कदम ना उठाया जाए जिससे आम जन को नुकसान हो, ये सरकार को ध्यान में रखते हुए आगे के स्टेप्स या आगे के डिसीजंस को लेना होगा। ओके सो द नेक्स्ट इट इज़ अबाउट रोजगार सेतु। रोजगार सेतु इज़ अ स्कीम दैट इज़ लॉन्च्ड बाय एमपी मध्य प्रदेश, दैट इज़ द सीएम ऑफ एमपी इज़ शिवराज सिंह चौहान एंड ही लॉन्च दिस स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर्स, इट इज़ रोजगार सेतु। सो क्या है इस रोजगार सेतु के तहत, देखिए अभी क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम ने बताया है कि हमने रोजगार स्कीम को लॉन्च किया, उसको लॉन्च करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है उन स्किल्ड वर्कर्स को फिर से अपने कार्य पर जो है लगाना या उन्हें कार्य प्रदान करना जो ऑलरेडी जो है हम कह सकते हैं जॉबलेस हो चुके हैं माइग्रेंट होकर के, जो ऑलरेडी बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ में या अपने पर्टिकुलर वर्क के अंदर जिस कार्य में वो निपुण हैं उस क्षेत्रों में जहाँ कार्य कर रहे थे लेकिन COVID-19 या पेंडेमिक के चलते वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने गाँवों में जहाँ लौट कर आ गए हैं MP में जहाँ हमारे यहाँ पर सब जो लोग जो लौट कर आए हैं उनके लिए ये स्कीम हमने लॉन्च की है, जिससे कि जो बेरोजगारी है उसे भी कम किया जाएगा। प्लस इन मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो स्कीम लॉन्च की गई है शिवराज सिंह चौहान द्वारा, मेरी नज़र में ये एक ऐसी स्कीम है जो उनके इन हाउस GDP जो या हम कह सकते हैं इन हाउस इनकम को इंक्रीज़ करने का, इकोनॉमी को बूस्टअप करने का कार्य करेगा।
मतलब एमपी में ही अगर लोगों के लिए रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाएगा तो आने वाले टाइम में जब लॉकडाउन को रिमूव कर दिया जाएगा या जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा लोगों को लॉकडाउन के पैंडेमिक के चलते, लॉकडाउन को सोशल डिस्टेंसिंग या अदर नॉर्म्स के चलते जो है लॉकडाउन का फेज ओवर कर दिया जाएगा, उस कंडीशन में वो सारे लोग जो कि जॉबलेस हो चुके हैं, माइग्रेंट्स हैं जो बाहर रहते थे लेकिन वापस अपने होम टाउन्स में आ गए हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होगी कि वो अपने होम टाउन्स को छोड़ करके दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करें, है ना। तो अपने आप में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता ही है, प्लस ये खुद के स्टेट की GDP को, इकोनॉमी को बूस्टअप करने का कार्य करेगा, प्लस खुद के स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्टअप करेगा, ठीक है। तो ये तीन फायदे मुझे इस स्टेप में देखने को मिल रहे हैं। तो अपने आप में इट इज़ अ गुड डील, इट इज़ अ गुड स्कीम एट ऑल, एंड हेयर एवरी स्टेट शुड टेक दीज स्टेप ऑफ इनिशिएटिव एट ऑल। और अपने आप में ये इस तरह का इनिशिएटिव लेने वाले ये पहली जो है स्टेट है, पहली सरकार है, पहले CM है जिन्होंने अपने आप में इस तरह का रोजगार से संबंधित माइग्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा स्टेप उठाया है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी जो दूसरे स्टेट के जो CMs हैं उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आएगी और वो इस तरह के स्टेप्स वो भी उठाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ राजस्थान फार्मर्स ऑफिशियल्स इन नाइट लॉन्ग फाइट अगेंस्ट लोकस्ट। आप सभी जानते हैं लोकस्ट से रिलेटेड, टिड्डी जिसे कहता है, टिड्डी दल से रिलेटेड जो है ये न्यूज़ है। हम लोग काफ़ी दिनों से न्यूज़ में देख रहे हैं कि जो है लोकस्ट अटैक हुआ है पाकिस्तान के रास्ते, गुजरात और राजस्थान से होते हुए, डेजर्ट बॉर्डर से होते हुए ये जो है गुजरात, राजस्थान और MP के क्षेत्र में लोकस्ट अटैक देखने को मिलता है। यूजुअली ये एक ऐसा अटैक होता है जिसमें लोकस्ट जो है वो पूरा एग्रेरियन अटैक होता है, एग्रेरियन फील्ड में जो है अटैक किया जाता है, पूरे की पूरी फसलें नष्ट कर दी जाती हैं लोकस्ट द्वारा। और पिछले कुछ सालों के अंदर देखा गया है लेकिन बहुत कम मात्रा में जो है इसका नुकसान देखने को मिला है, लेकिन अपने आप में काफ़ी बड़ा नुकसान लेकर आया है इस बार का ये लोकस्ट अटैक। इस बार जो लोकस्ट अटैक हिट किया गया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर कैरी करता है, क्योंकि काफ़ी लाखों लोगों की जो हम कह सकते हैं एग्रेरियन जो हम फील्ड्स हैं, फसलें हैं, जो मेहनत है, उन सबको अब तक तबाह कर चुके हैं लोकस्ट और आगे भी करते चले जा रहे हैं, लेकिन रात दिन एक करके जो मिनिस्ट्रीज़ नहीं कर पा रही है वो फार्मर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। या सेकंड फेज़ में, सेकंड वर्ड अनदर वर्ड्स में, इफ़ वी कैन से कि सरकार जो है उनके पीछे बैकग्राउंड वर्क कर रहे हैं फार्मर्स। फार्मर्स क्या कर रहे हैं, इन लोकस्ट को अपने लेवल पे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आगे हमारे फील्ड में भी, इवन आगे जो फील्ड्स हैं उनके अंदर भी इस तरह का कोई नुकसान ना हो। अब इस नुकसान को रोकने के लिए फार्मर्स अपने लेवल पे फाइट कर रहे हैं। कई सारे फार्मर्स ने अपने स्तर पे, जैसे लोकस्ट जो है उनकी एक कमज़ोरी होती है कि वो साउंड जो होता है बहुत लार्ज, हाईएस्ट लेवल पे जो, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसे नहीं कैरी कर पाते हैं और वो वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है उस लोकस्ट की, है ना। तो फार्मर्स जो है अपने स्तर पे थाली बजा के, ड्रम बजा के इस तरीके से जो है लोकस्ट के अटैक को रोकने से बचा रहे हैं अपने फार्म्स को, या हम कह सकते हैं लोकस्ट को वहीं ख़त्म करने और आगे नुकसान न पहुंचाने के लिए इस तरह के इक्विपमेंट्स के थ्रू, इस तरह के प्रयासों के थ्रू वह उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप में सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है इस तरह का स्टेप। और अगर सभी जो जितने भी फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर वर्क करते हैं और जो ऑलरेडी इस लोकस्ट अटैक को सफ़र कर रहे हैं या आगे आने वाले टाइम में करेंगे, उस क्षेत्र, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए पहले से ही फार्मर्स को रेडी हो जाने की ज़रूरत है, ओके। सो द नेक्स्ट हम ले रहे हैं एडिटोरियल एनालिसिस में सारे एडिटोरियल जो है, आर्टिकल्स जो है उन्हें कैरी करेंगे। सो लेट्स टेक टुडेज न्यूज़ एडिटोरियल। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज़ ऑफुल साइलेंस। मैं आपको बता देती हूँ, ये आर्टिकल है चाइना और इंडिया के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है LAC का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो इशू चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच,
ये आर्टिकल उस पर जो है डिटेल कैरी करता है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, जो चाइना और इंडिया या इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से हम कह सकते हैं 5 मई से फर्स्ट जो अटैक फर्स्ट क्लैश जो हुआ था वो पोंगोंग सो लेक जो है उसके पास में हुआ था, फर्स्ट क्लैश जो वहाँ देखा गया था, तब से लेके अब तक काफ़ी जो है इश्यूज़ चल रहे हैं। उसके तहत सरकार के द्वारा या ऑफिशियली कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन जो है इशू नहीं किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ये ज़रूरत है सरकार की कि वो हमें इस चीज़ से अवगत करवाए, या हम कह सकते हैं ये हमें इन्फॉर्म करवाएं कि क्या हो रहा है, और पूरा डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है या डिटेल जो सारी है इस LAC से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसे डिटेल में एक्सप्लेन करें आमजन को। क्योंकि ये देखिए जो सोल्जर्स वहाँ वर्क कर रहे हैं वो सारे हम आमजन से ही निकले, काफ़ी सारे हज़ारों सोल्जर्स की फैमिलीज यहाँ पे है ऑलरेडी, है ना। तो उन सब की ये रिक्वायरमेंट है, या वो सब चाहते हैं अपनी फैमिली अपने फैमिली मेंबर के बारे में जानना, अपने उस भाई बेटे पति को के बारे में जानना जो सोल्जर के तौर पे बॉर्डर पे वर्क कर रहे हैं, चाइना इंडिया बॉर्डर पे तैनात हैं। तो ये उनकी भी डिमांड है और आम जन की भी डिमांड है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पर अगर हम बात करें तो चाइना और इंडिया के बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहा है, कैसे चल रहा है। हाँ, अब तक हमने कोशिश की है हर आर्टिकल में डेली बेसिस पे, काफ़ी दिन से हम LAC के बारे में और इस डिस्प्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं, काफ़ी डिटेल में हमने समझा है, सुना है, पढ़ा है, लेकिन ये सरकार की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आम जन को इस पर्टिकुलर मैटर से अवगत करवाए, ठीक है। सो एज़ रिपोर्टेड बाय द हिंदू के एक सोर्स द्वारा रिसोर्सेज द्वारा जो है ये रिपोर्ट किया गया कि नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर्स, द एग्रेशन विथ विच दे हैव डील्ड विथ इंडियन सोल्जर्स एज वेल एज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। सो द हिंदू के जो है रिसोर्सेज द्वारा ये जो है रिपोर्ट किया गया है कि नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर्स कितने थे और कैसे किस एग्रेशन के साथ में उन्होंने इंडियन सोल्जर्स से डील की और कितने क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बेसिकली कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के तहत, और इंडिकेट स्ट्रेटजाइज्ड एक्शन बाय चाइनीज़ कमांडर्स, और चाइनीज़ कमांडर्स द्वारा क्या स्ट्रेटजाइज्ड एक्शन लिए गए या लिए जा रहे हैं या क्या प्लान हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है कुछ सोर्सेज द्वारा ज़रूर हमें पता चली है, पर ये सरकार की ज़रूरत है कि वो आम जन तक इस तरह की सिचुएशंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो ये आर्टिकल पूरी तरीके से चाइना और इंडिया के बीच में जो सोल्जर्स वॉर चल रहा है या हम कह सकते हैं LAC से लेकर जो इशू चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। सो इंडिया की ये ज़रूरत है कि वो पब्लिकली जो है सीरियसनेस को देखते हुए, सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए आम जन को ये चीज़ बताएं कि क्या सिचुएशन है, क्या मुद्दा है और कैसे वर्क कर रहे हैं हम लोग, इससे कैसे डील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ अ मोमेंट फॉर सिविलाइजेशनल इंट्रोस्पेक्शंस। सो ये आर्टिकल है हर्ष मंदिर द्वारा, बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये हमें बताता है कि कैसे सोशल क्राइम्स जो है वो लॉकडाउन के तहत देखे गए, कैसे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन उन लोगों जो अमीर लोग हैं या जो अफोर्ड करते हैं, इवन फ्लाइट्स के टिकट जो लेकर के जो बाहर से आए हैं फॉरेन कंट्रीज से, वो किस तरीके से इस पेंडेमिक को लेकर आए हैं, COVID-19 को लेकर आए हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमारे पुअर पीपल्स को, हमारे देश के उन गरीब नागरिकों को जिनके पास में एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि नेक्स्ट मील जो होती है, इवन सुबह ये टेंशन होती है कि हम शाम को क्या बनाएंगे, इस तरह के टेंशन से जो लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं या जो दो वक्त की रोटी डेली बेसिस पर डेली वेजेस के तौर पे कमाते हैं और खाते हैं, तो उन सारे माइग्रेंट्स को इस कंडीशन में क्यों सफ़र करना पड़ रहा है, जबकि ये जो पेंडेमिक है ये उन लोगों द्वारा लाया गया है जो ऑलरेडी फ़्लाइट्स कैरी करके और दूसरे फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आए थे, है ना।
अब लाया तो उनके द्वारा गया है, वो आइसोलेट हो गए हैं, वो क्वारंटाइन हुए हैं, कोई इशू नहीं है, वो अपने घर में प्रॉपरली सर्वाइव कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई इशू हो रहा है तो वो अपनी, अगर वो COVID-19 से सफ़र कर रहे हैं तो वो हॉस्पिटल्स वेंटिलेटर्स पर और इवन हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल बेड्स को कैरी कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ के चलते वो अपने जीवन को निकाल रहे हैं और कोई इशूज़ क्रिएट नहीं हो रहे। लेकिन अल्टीमेटली सफ़र किसे करना हो रहा है, वो हो रहा है माइग्रेंट पीपल्स को, पुअर पीपल्स को, जो ऑलरेडी बहुत वर्क पुअर कंडीशन में अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, बहुत सारी कंडीशंस को देखते हुए, बहुत सारे डिप्रेशंस को देखते हुए, और उन उसी के तहत एक नया डिप्रेशन उनके ऊपर आना अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया के एक मेजर, या हम मैं कह सकती हूँ वास्ट पॉपुलेशन जो है, इस चैलेंज को आज की डेट में बेयर कर रही है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ आके लगता है कि उनकी क्या गलती थी, ना तो वो फॉरेन कंट्रीज़ गए, ना ही वो फॉरेन कंट्रीज से COVID-19 को लेकर आए, ना ही वो किसी के कांटेक्ट में आए, वो बस अपना एक रूटीन वर्क कर रहे थे जिस वर्क के चलते उनको ये सारी चीज़ों को सफ़र करना पड़ रहा है ना। सो इट इज़ अ मोमेंट, ये एक ऐसा मोमेंट है जब हमें सिविलाइजेशन के थ्रू, सिविलाइजेशनल इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, सिविलाइजेशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें ज़रूरत। देखिए, सरकार या जो अथॉरिटीज़ है वो एक लेवल तक कर सकती है, एक पॉइंट तक कर सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरत हमारी है कि जहाँ हम अफोर्ड कर रहे हैं हाईली जो फैसिलिटीज़ के साथ में लॉकडाउन सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में हैं सफ़र कर रहे हैं, ऑलरेडी हम बहुत फैसिलिटेटेड हैं, तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम एटलीस्ट 10 people को, मेरा ऐसा नज़रिया है कि 10 लोगों को यदि एक कैपेबल पर्सन के द्वारा अगर फूड प्रोवाइड करवाया जाता है। देखिए, उन मज़दूरों की, उन गरीब लोगों की कोई गलती नहीं है जो ऑलरेडी वेंटिलेटर्स के बिना या इवन हॉस्पिटल के बेड्स के बिना अपनी जानें गंवा रहे हैं इस COVID-19 के चलते। ना तो वो पैंडेमिक को लेकर आए हैं, ना उस पैंडेमिक में उनका कोई योगदान है, उनकी कोई गलती नहीं है, और ना ही इस लॉकडाउन में उनका कोई योगदान है। लेकिन इवन लॉकडाउन के चलते और इस पैंडेमिक के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने ज़रूर फेस किया है, इवन अपनी जानें भी उन्होंने ही गंवाई है। तो ये हमारी ज़रूरत है कि हम जो पुअर और जो हम कह सकते हैं रिच पीपल हैं, या एटलीस्ट जो कैपेबल हैं, वो अगर पुअर्स के साथ में मिलके उनके इन इश्यूज़ को सॉल्व करते हुए, और उन्हें जो है हर एक इंसान, व्हाट आई एम सेइंग दैट एवरी इंडिविजुअल जो कैपेबल है, वो एटलीस्ट अगर 8-10 days जो है पर्टिकुलर फैमिली को, या कुछ 10 लोगों को, या 6 लोगों को, 5 लोगों को अगर फूड या शेल्टर प्रोवाइड करवा सकता है, तो इवन आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी है जो ऑलरेडी रिच कंसिडर किए जाते हैं या रिच कैटेगरी में आते हैं, तो वो लोग अगर इतने सारे लोगों को एक साथ में फ़ूड प्रोवाइड करवाएंगे, एक जना अगर 10 या 7 या 8 people को भी करवाता है फ़ूड प्रोवाइड, इवन 2 वक्त का खाना भी अगर आप कुछ दिन के लिए लॉकडाउन पीरियड के तहत प्रोवाइड करवा पाते हैं, तो आने वाले टाइम में वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, है ना। इवन कई सारे ऐसे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कई सारे ऐसे प्राइवेट वर्कर्स हैं जो ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं और काफ़ी संपन्न हैं, अगर लॉकडाउन ने भी उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया है, तो उनकी ये ज़रूरत है कि अब क्योंकि इकोनॉमी स्टार्ट हो चुकी है, तो वो बेचारे अपने ही क्षेत्र के पुअर माइग्रेंट्स को वहाँ पे एम्प्लॉय करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएं, और उन्हें इस तरह की फैसिलिटीज़ दें जिससे कि आने वाले टाइम में उन्हें अपने ही रीजन में वर्क करने की स्वतंत्रता, या हम कह सकते हैं उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सो देखिए, हर एक क्षण, हर एक मिनट, हर एक, मैं कह सकती हूँ, जो क्राइसिस होते हैं वो अच्छा या बुरा वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, क्योंकि बुरा वक्त भी लंबे समय तक नहीं रहता और अच्छा वक्त भी लंबे समय तक नहीं रहता। लेकिन ये दोनों कंडीशंस जब हमारी लाइफ में आती है तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। अच्छा वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखाता है तो बुरा वक्त भी बहुत कुछ सिखाता है। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये बुरा वक्त है, तो इस बुरे वक्त को क्यों ना अच्छे वक्त में तब्दील किया जाए,
क्यों ना जब सभी लोग माइग्रेंट्स अपने अपने घर आ चुके हैं, गरीब लोग अपने अपने गांवों में आ चुके हैं, तो उस क्षेत्र के अमीर लोगों द्वारा उन गरीब लोगों को इस तरीके से जो है इवन गवर्नमेंट द्वारा, उस क्षेत्र की सरकार द्वारा इस तरीके से उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, ये समझ उनमें जो है डाली। जब उन्हें पता है कि हमारा क्षेत्र हमारे लिए सुरक्षित है, हमारा जहाँ परिवार रहता है वो हमारे लिए सुरक्षित है, तो क्यों ना इकोनॉमिकली भी उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए अपने ही क्षेत्र में कि वो हमारे क्षेत्र को जो है अपग्रेड करने का कार्य करें। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। एंड ठीक है, देखिए बाकी जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, बिलेटेड बट वेलकम, आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस, सुप्रीम कोर्ट मस्ट नाउ इन्फोर्स राइट्स ऑफ द वल्नरेबिलिटी का राइट के बारे में बात कही गई है। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एंड लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, वल्नरेबल स्टेटस से रिलेटेड है ये, उसके अधिकारों से रिलेटेड, तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, एंकरिंग टाइज विथ कैनबरा, द वर्चुअल वे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट जो है अगले हफ्ते होने वाला था, वो अब नॉट डायरेक्टेड ओनली बाय द टर्बुलेंट जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन। ओके, इन अगस्त 1951 ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज, ठीक है, इस समिट के बारे में बात की गई है यहाँ पे, पेंडेमिक के चलते जो समिट है उसे नेक्स्ट वीक जो ऑर्गेनाइज होने वाला था वो नहीं होगा, है ना, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इशू से रिलेटेड बात की गई है और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और इस समिट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आपको खुद को रीड करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर जो है आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स बनते हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है न्यूज़पेपर की, वो सब ली है। ये कैनबरा वाली जो न्यूज़ है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, जो आज की डेट में आप जो भी इस आर्टिकल को रीड करेंगे और डेफिनेटली मुझे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, या इसको अगर हम लेते हैं तो ये एक्चुअली ये 10-15 मिनट्स और कैरी कर लेगा, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर टेक दिस आर्टिकल एज ऑफ नाउ, सो वी विल टेक इट बाय द नेक्स्ट टाइम। ओके, इवन हम इसे डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में, और कल के एडिटोरियल एनालिसिस के अंदर हम इस आर्टिकल को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, सो वी हैव टेकन ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जस्ट गो थ्रू ऑल दीज न्यूज़, आप पढ़िए इन सारी न्यूज़ आर्टिकल्स को और समझिए कि क्या कहना चाहते हैं ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, एंड डेफिनेटली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप लोकस से ले लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक जो GDP है, इकोनॉमिक ग्रोथ को है उससे रिलेटेड ले लीजिए, या फिर आप इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है उसके बीच के आर्टिकल्स को ले लीजिए, सभी चीज़ें अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अभी जो हमने डिस्कस किया सिविलाइजेशन इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, उसको भी ले लीजिए, तो ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्कीम लॉन्च की है MP के CM द्वारा, उसको भी आप, रोजगार स्कीम जो है उसको भी आप डिस्कस करेंगे और उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या मालूम है इस स्कीम के बारे में, और आपके द्वारा अदर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ऐसी स्कीम लॉन्च की जानी चाहिए या नहीं, और की जानी चाहिए तो कैसे, कौन सी स्कीम्स है जो लॉन्च की जा सकती है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।